वेलकम टू एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई जो है जारी रखे होंगे, है ना। निरंतर अपना पढ़ाई जो है आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, और उस बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन में हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ स्विच के बारे में अध्ययन कर रहे थे, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एसेसरीज, जिसमें कि हम लोग स्विच के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि कंट्रोलिंग स्विच के या कंट्रोलिंग एसेसरीज के अंतर्गत आता है, राइट। ठीक है, तो जिसमें कि हमने और भी कुछ स्विच के बारे में पढ़ा था, लाइक फ्लैश स्विच के बारे में हमने पढ़ा, फिर टुम्बलर स्विच के बारे में हमने पढ़ा, फिर वन वे क्या होता है, टू वे क्या होता है, इन सब के बारे में हमने देखा, समझा। और होप सो आप अब तो शायद रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वन वे स्विच कैसा होता है, या टू वे स्विच कैसा होता है, फ्लैश स्विच कैसा होगा, या टुम्बलर स्विच कैसा होगा, या सरफेस स्विच कैसा होगा, पियानो स्विच किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आपने जाना होगा। आज हम कुछ और नए स्विच के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके दैनिक जीवन में यूज किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे टू वे सेंटर ऑफ स्विच। इसके पहले लेक्चर में आपने देखा कि टू वे स्विच क्या होता है, आज हम उसी में पढ़ेंगे टू वे सेंटर ऑफ स्विच क्या होता है। ठीक है, टू वे सेंटर ऑफ, टू वे का मतलब तो आपको पता चल रहा है, दो वे, है ना, इधर ऑन और फिर दूसरे में भी इधर ऑन और ऑफ। ठीक है, इसमें कोई फिक्स तो होता नहीं। और सेंटर ऑफ का मतलब हुआ बीच में जो होगा वो ऑफ हो जाएगा, समझ में आई बात, बीच में ऑफ हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पे आप देख सकते हैं, लाइक देखिए यहां पे आपके पास ये स्विच है, ठीक है, ये हमारे पास स्विच है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो नीचे भी आप ऑपरेट कर सकते हो, टू वे स्विच को आप नीचे भी ऑपरेट कर सकते हो और ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हो। आपको ये मैंने बताया था कि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कोई ऑन कोई ऑफ इसमें नहीं होता है। एक ही जगह से आपको अगर दो इक्विपमेंट या दो बल्ब को कंट्रोल करना होता है तो वैसे जगहों पे आप जो है टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। बट अंतर क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये तो नीचे भी आप ऑपरेट कर सकते हो और ऊपर भी आप ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन ये स्विच जो है ना बीच में भी आपका रहेगा, और बीच में अगर आप ला करके इसको छोड़ देते हैं तो वो ऑफ सिचुएशन में रहेगा। समझे क्या बोला मैंने, है ना, जब ये बीच में आप इसको लेकर के आएंगे तो ये क्या होगा, ऑफ सिचुएशन में ये रहेगा। अगर ऊपर की ओर होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोई अलग अलग लोड, कोई अलग अलग इक्विपमेंट उसके द्वारा कंट्रोल हो रहा होगा, और नीचे करेंगे तब भी कोई ना कोई इक्विपमेंट कंट्रोल होगा, लेकिन अगर बीच में आपका रह गया, सेंटर में अगर रह गया, तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑफ पोजिशन कहलाता है। ठीक है, लाइक घर में आप चेंजर देखे होंगे, ठीक है, चेंजर में आप देखे होंगे कि एक बार ऑन करोगे ऊपर की ओर करोगे तो किसी और फेज में आ गया, नीचे की ओर करोगे तो किसी और फेज में आ गया, और बीच में आप टिका दिए तो वो क्या होता है, ऑफ पोजिशन में होता है। जैसे कि आप देखो ये भी हमारा एक प्रकार का सेंटर ऑफ ही है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ है। इसमें क्या होता है, देखो ये वाला हमारा नोब है, ये वाला क्या है, नोब है, घर में देखना होगा शायद, ठीक है ना, इसको आप अगर ऊपर करोगे तो क्लोज ओपन हो सकता है, नीचे करोगे तो क्लोज ओपन हो सकता है, लेकिन इसको जिस पोजीशन में अभी ये है इसी पोजीशन में ठीक एकदम खड़ा कर दिया जाएगा बीच में एकदम, तो वो क्या होगा, ऑफ पोजीशन होगा। ठीक है ना, वो क्या होगा, ऑफ पोजीशन, समझ में आई बात। जैसे टू वे स्विच में सिर्फ क्या था, नीचे ऊपर हो रहा था, बीच में आपका स्टिक नहीं हो पा रहा था, बीच में आपका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पा रहा था, बीच में स्विच अटक ही नहीं रहा था, ऐसा समझ लो। लेकिन इस टू वे सेंटर ऑफ स्विच में ये बीच में भी अटकेगा, है ना, ऑन ऑफ बीच में आप उसको टिका दिए तो बीच में आपका टिका रहेगा। लाइक देखो इसमें भी ये तो टॉगल स्विच है, नीचे करोगे ऑन, ऊपर करोगे फिर कोई ना कोई इक्विपमेंट ऑपरेट होगा, और इसको बीच में आप अगर छोड़ दोगे तो वो ऑफ पोजिशन पे कहलाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टू वे सेंटर ऑफ। इसी में देख लो, द स्विच इज जस्ट लाइक ए टू वे स्विच, यह स्विच भी जस्ट लाइक ए टू वे स्विच ही होता है, यह भी कैसा होता है, टू वे स्विच के जैसा होता है, बट हैविंग थ्री ऑपरेशन, बट इसमें क्या होता है, तीन ऑपरेशन होता है, समझे बात को। इन द सेंटर इट बिकम्स ऑफ, बीच में जो होता है यह क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, बीच में यह क्या होता है, ऑफ हो जाता है। सच स्विचेज आर यूज्ड व्हेन टू लैंप्स आर टू बी ऑपरेटेड अल्टरनेटिवली एंड स्विच ऑफ फ्रॉम सेंटर पोजिशन ऑफ द स्विच। वैसे जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे कि नीचे ऊपर जो आप करते हो वहां से तो दो बल्ब को आप कंट्रोल करोगे, लेकिन अगर उसको सेंटर में लाके रख दिए बीच में तो वो क्या होगा, ऑफ रहेगा, समझे। तो ये हमारा क्या था, टू वे सेंटर ऑफ स्विच।
क्लियर। चलो अगला स्विच हम देखते हैं कुछ। अब आता है हमारा पुल स्विच। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। तो कभी कभी आप देखते होंगे टेबल फैन रहता हो, नहीं टेबल फैन नहीं सॉरी फैन रहता होगा। कभी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना वगैरह खाने गए होंगे या क्लास वगैरह में कहीं देखे होंगे कि फैन लगा हुआ है दीवार पे, उसको ऑपरेट करने के लिए स्विच नहीं लगा करके हम एक पुल स्विच लगाते हैं, उसी में एक रस्सी जैसा बंधा हुआ रहता है, खींच खींच के उसको हम क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है पुल स्विच कहलाता है। लाइक यहाँ पे देखो ये बल्ब है और यहां से आपको ये दिख रहा है ये एक रस्सी टाइप से लगा हुआ है, इसको खींचोगे ये ऑन होगा, खींचोगे ऑफ होगा, कुछ इस तरह से इसको ऑपरेट कराया जाता है। आप यहाँ पे देखो ये हमारा कुछ इस प्रकार से स्विच होता है लगा हुआ, ठीक है। बल्ब वगैरह में आपका या फिर फैन वगैरह में आप जरूर देखे होंगे, अगर ध्यान हो जैसे यहाँ देखो फैन है, इसको खींचोगे ये आपका ऑन ऑफ होगा, उस हिसाब से इसमें रेगुलेटर भी लगा होता है, स्पीड भी कम ज्यादा हो सकता है इसके आधार पे, ठीक है। तो इस प्रकार का स्विच जो होता है वो हमारा पुल स्विच के अंतर्गत आता है। पुल मतलब होता है खींचना, खींचे वाला स्विच को हम पुल स्विच कहते हैं, समझे, ठीक है। पंखा में देखा होगा ज्यादा ज्यादा पंखा में रहता है, खींच के उसको ऑन ऑफ करना रहता है, या फिर आप बेड वगैरह के पास में भी लगा सकते हैं सॉरी बेड जो होता है ना, जैसे होता है ना कहे ना आपको लोग जो है भौतिक सुख की ओर बढ़ रहा है, तो सोए हुए हो अब आपको उठने का मन नहीं कर रहा है, तो आप वहां पे क्या करो पुल स्विच लगा दो, तो आप क्या करोगे हाथ ऐसे बढ़ाए उसको खींच लिए ऑफ हो जाएगा, फिर बढ़ाए फिर ऑन हो जाएगा, कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेड वगैरह के पास में यूज कर सकते हो, रेस्टोरेंट वगैरह में आपको ये ज्यादा मिलेगा पुल स्विच। तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, पुल स्विच, दीज स्विचेज आर ऑपरेटेड विद ए सिंगल पुल ऑफ अ कोड, इसमें कोड बना होता है सिंगल पुल मतलब एक बार खींचो ऑन ऑफ हो सकता है उस आधार पे। फॉर द ऑन ऑफ पोजीशन, ऑन ऑफ पोजीशन के लिए एक बार खींचना है ऑन, एक बार खींच फिर वापस उसको खींचोगे ये ऑफ होगा, दोनों साइड से रहता है, एक साइड खींचोगे ऑन ऑफ होगा, फिर दूसरे साइड से खींच करके उसको बैलेंस करके ऑन किया जाता है आपको, ठीक है। लाइक मैं आपको बताऊं तो जैसे कि देखो ना यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे ये फैन है ना, यहाँ दो साइड से रहेगा आपको, एक साइड से इसको खींचोगे तो ये कंट्रोल होगा, स्पीड कंट्रोल कर सकते हो इस हिसाब से, फिर इधर भी आपका रहता है आपका, ठीक है, दोनों साइड से आपका लटका हुआ रहता है तो उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक ना। चल तो वही आपका देख लो, दिस स्विचेज आर फिक्स्ड नियर द सीलिंग एंड हेंस कॉल्ड सीलिंग स्विचेज, इसी स्विच को हम सीलिंग स्विच भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इस पेंडेंट स्विच सॉरी पेंडेंट बोल रहा हूं मैं, पुल स्विच को आप सीलिंग स्विच भी कहते हैं, ठीक है। दीज आर यूज इन बेडरूम, या कहाँ यूज होता है, बेडरूम में भी यूज होता है, बाथरूम में भी यूज होता है, बाथरूम में भी आप यूज कर सकते हो इसका, बेडरूम में चाहो तो बेडरूम में भी यूज कर सकते हो इसका, ठीक है, एंड रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट वगैरह में भी यूज कर सकते हो इत्यादि, और भी अलग जगहों में आप अपने उसको क्या बोलते हैं, मतलब अपने अनुसार है ना, आपको जहां जरूरत है अपने डिजायर अपने इच्छा अनुसार आप वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। चल, देयर टेक्स प्लेस ए कंसिडरेबल वियर एंड टियर एट द पॉइंट वेयर द कोड इंटर्स द स्विच, ध्यान रखिएगा इस बात को, जहां पे आपको खींचते हो जब खींचने का सीन आ रहा है तो जरूर से जरूर उसमें कुछ ना कुछ घिसाव होगा, वियर एंड टियर होगा उसमें, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पूरा पकड़ के पूरा खींच दिए स्विच बिखर जाएगा, समझे बात को, तो ऐसा भी नहीं करना है। सो ये ध्यान रखना है कि हमेशा जहां पे हमारा कोड होता है जो खींचने वाला होता है उसको अच्छे तरीके से आप पुल कीजिए ताकि वो ऑपरेट हो सके, ऐसा नहीं कि पूरा शक्ति जो है आप उसे स्विच पे लगा दीजिए, बस स्विच को बिखेर दीजिए तोड़ के, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा स्विच हो गया, पुल स्विच हो गया। अगला स्विच देखिए, ये स्विच से तो आप काफी वाकिफ होंगे, जो लोग गांव में सरस्वती पूजा मनाता होगा है ना, उसमें ये सब स्विच आपको देखने को मिलेगा है ना, पेंडेंट स्विच, कौन सा पेंडेंट स्विच, इसको हम लोग बेड स्विच भी बोलते हैं है ना। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल वायर रहता है, ठीक, फ्लेक्सिबल वायर रहता है और फिर स्विच रहता है। स्विच आप देखो कुछ इस प्रकार से रहता है, आपने देखा होगा इसको स्क्रू के मदद से इसको खोला जाता है, फिर इसी स्विच में आपका दो टर्मिनल बना रहेगा, फेज और न्यूट्रल करके, ठीक है, दो टर्मिनल रहता है ऐसा मान लो, फेज न्यूट्रल जरूरी नहीं है। आप देखो यहाँ पे कनेक्शन कर दिए, अब ये आपका ऐसे हैंग किया हुआ है, लटका हुआ रहेगा आपका। तो सरस्वती पूजा जो मनाता होगा गांव में वो ये स्विच से काफी वाकिफ होगा, क्योंकि जहां पे बल्ब वगैरह लगाया जाता है वहां पे ये सब स्विच जो होता है पेंडेंट स्विच का इस्तेमाल धरले से होता है, ठीक है ना, डेकोरेशन वगैरह में, या फिर आप देखे होंगे जरूर इस चीज को कि स्ट्रीट लाइट जो होता है ना, स्ट्रीट लाइट में आप अभी भी पाएंगे
कि जहां बल्ब होता है वहां से लटका करके एक स्विच जो है नीचे ला करके पोल पे लटका दिया जाता है और उसको एक ऐसे स्टिक कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है ताकि हिलते डुलते ना रहे, है ना। और वो स्विच को आप फिर ऑन ऑफ करके आप कंट्रोल कर सकते हैं स्ट्रीट लाइट को, समझ गया बात को। तो वो स्ट्रीट लाइट को आप कंट्रोल करोगे, वो हमारा स्विच क्या कहलाता है, पेंडेंट स्विच। तो इस प्रकार का स्विच जो होता है हमारा क्या होता है, पेंडेंट स्विच कहलाता है। ये टेम्पररी यूज के लिए यूज किया जाता है, जहां पे आपको मतलब अधिक रिक्वायरमेंट नहीं है, टेम्पररी आप यूज किए फिर कहीं और बदलना है, इन सब जगहों पे आप यूज कर सकते हैं, या बेड वगैरह में, बेडरूम वगैरह में भी चाहो तो यूज कर सकते हो, है ना। कि जो लाइट होता है ना, डिम लाइट, छोटा सा ऑन किए ऑफ किए फिर, मतलब समझ रहे हो बात को, एक तरह से क्या सा बताया जा सके तुम्हें। जैसे मान लो कि आपको सोने के लिए जाना है, आपको उठना नहीं है, आप पेंडेंट स्विच लगा दिए, ऑफ कर दिए, है ना। तो उन जगहों पे, या फिर होता है ना नाइट टाइम में डिनर वगैरह जहां किया जाता है, इन सब स्विच का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, है ना। चलो ऐसे भी देख लो, दिस इज अ पेंडेंट टाइप स्विच यूज्ड टू स्विच ऑन और ऑफ द लाइट फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन ए स्विच बोर्ड और फ्रॉम नियर द बेड व्हाइल गोइंग टू स्लीप और गेटिंग अप। आपको जहां से चाहिए वहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, एक्सेप्ट देन स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड से क्या करना है, सिर्फ कनेक्शन ला करके आपको अपने पास में लेके आना है। लाइक आप बेड में भी बताए थे, जहां पे बेडरूम है आपका वहां पे भी आप चाहो तो लगा सकते हो। जब आप सोने के लिए जाओगे स्विच का यूज कीजिए, आपको उठ करके बोर्ड के पास में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वायर फ्लेक्सिबल वायर रहता है, उसमें आराम से लगा करके आप लेके आ जाइए। जैसे मैंने भी एक्सटेंशन बोर्ड बना रखा है, ठीक है ना, सिर्फ उठने के लिए कि मैं बार बार उठ करके मुझे लैपटॉप को चार्ज में ना लगाना पड़े, या फिर चार्जर जो होता है मोबाइल चार्ज करने के लिए हमें बार बार उठ के बोर्ड के पास में ना जाना पड़े। तो फ्लेक्सिबल वायर की मदद से हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड बना लिया है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, पेंडेंट स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो आपको बार बार उठ के बोर्ड के पास में ना जाना पड़े, आप एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। या मान लो कि फ्लेक्सिबल वायर की मदद से आप रूम के बाहर लगा दो, वहां भी आप करोगे तो बल्ब आप ऑपरेट कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। तो किसी भी जगह से अगर आपको जरूरत है तो आप पेंडेंट स्विच का इस्तेमाल करके उस इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फ्लेक्सिबल वायर। ये जो होता है सीरीज में कनेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सिबल वायर के मदद से आप इसको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज आपको यहाँ पे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं रोटरी स्विच। देखो रोटरी स्विच क्या कहते हैं, समझना इस चीज को। घर में पंखा देखा होगा, पंखा एक प्रकार, पंखा में आपका एक रेगुलेटर लगा होता है जो कि अलग अलग स्पीड को कंट्रोल करता है। डिफरेंट स्पीड पे आपको जैसा हवा चाहिए आपको, वैसा आप उसके मदद से, रेगुलेटर के मदद से आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटर इज नथिंग बट जस्ट लाइक रोटरी स्विच। चलो अगर वो भी नहीं देखा, अगर नहीं लगा हुआ है, एग्जाम्पल बता देते हैं रोटरी स्विच का कैसा होता है, है ना। वही होता है, मैं ये नहीं बोल रहा, कैसा होता है। जैसे घर में आप चूल्हा, गैस चूल्हा देखे होंगे, है ना, गैस सिलेंडर होगा और उसके साथ में चूल्हा होगा, तो उसमें आप देखेंगे एक नोब लगा हुआ रहता है, ठीक है, नोब लगा रहता है, उसके मदद से आप गैस को ऑन ऑफ करते हो या जलाते हो। तो एक साइड रोटेट करके ही आपको वो जलाया जाता है, रोटेट करोगे तो फिर गैस निकलने लगता है, फिर उसको बर्नर की मदद से आप जलाते हो, चलते रहता है। उसको आप जब घुमाओगे ना तो उससे जो होता है उसका लॉ जो होता है ना कम और ज्यादा होता है, वो भी हमारा एक रोटरी स्विच का ही एग्जाम्पल है, है ना, रोटरी स्विच के जैसा ही होता है। बाकी एक और बेस्ट एग्जांपल है, आप घर में रेगुलेटर अगर लगा है तो वो रोटरी स्विच ही है हमारा, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, अलग अलग पोजीशन पे आप कर सकते हो। मोटर वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, रिवर्स करने के लिए मोटर को, या फिर फॉरवर्ड करने के लिए, कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, रोटरी स्विच हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ये आर वाई पे है, अब करना हो तो इसको ऐसे रोटेट करोगे वाई पे आ जाएगा, ऑफ करना है तो इसको ऐसे करोगे तो ऑफ हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, है ना, ये आपका 0 1 2 3 ऐसा है, 0 1 2 3 4 5 ऐसा करके ऐसा है। अब ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे करके जिधर भी रोटेट करोगे, जिस पोजिशन पे लाना है उस पोजिशन पे आप लाके उसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक और आपको बेसिक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे आयरन देखे होंगे, आयरन में देखिएगा कि बीच में एक नोब बना होता है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल के लिए होता है, ठीक है ना। उसको जैसे घुमाइएगा वहां लिखा रहता है कि कॉटन का कपड़ा है, नायलॉन का कपड़ा है, पॉलिस्टर का कपड़ा है, किसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। तो क्या करते हो, नोब को घुमा करके आप उस टेम्परेचर पे लेके आते हो, वो भी हमारा रोटरी स्विच ही है, ठीक है ना। वो भी क्या है, हमारा रोटरी स्विच ही है, ठीक। चलो तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड हैंडल। ये जो रोटरी स्विच होता है एक इंसुलेटेड हैंडल लगता है, लाइक यहाँ पर आप देख लो ये वाला जो है आपका इंसुलेटेड हैंडल है, ये वाला आपका क्या है इंसुलेटेड हैंडल, टू विच आर फिक्सड द ब्लेड। अब इसके अंदर ब्लेड रहता है, सेक्शन बना होता है अलग अलग, जहां पे आप कनेक्ट करोगे वहां पे जाके वो कनेक्शन आपका इंटरनली बनाता है। अगर देखना हो तो रेगुलेटर खोल के कभी देख लेना, यहाँ पे घर में होगा, नहीं तो आप खरीद भी सकते हो यार, 20-25 रुपए में मिलेगा, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें आपको दिख जाएगा। दिस ब्लेड्स मूव्स इन स्टेप बाय स्टेप बाय द मूवमेंट ऑफ द हैंडल एंड मेक कॉन्टेक्ट विद द टर्मिनल टू विच आर कनेक्टेड द वायर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जैसे जैसे घूमेगा, आप जैसे जैसे इसको घुमाएंगे, वो वैसे वैसे क्या करेगा, अलग अलग कॉन्टेक्ट बनाना शुरू करेगा, है ना, अलग अलग टर्मिनल के साथ में वो कॉन्टेक्ट बनाएगा, ठीक है। लाइक आप अगर समझना चाहो तो ऐसा करके आपको मैं बताऊं, अगर समझ पा रहे हो तो देखो, जैसे यहाँ पे मान लो ऐसा करके कांटेक्ट होगा, ठीक है, ऐसा कांटेक्ट बना हुआ आपका, ये हमारा स्विच हो गया, ठीक है, ऐसा करके आपका यहाँ पे एक स्विच बना होगा और ये हैंडल हो गया, इसको घुमाओगे ये यहाँ पे आएगा, अब जो होगा क्या होगा, ये जो कॉन्टेक्ट है अब यहाँ बनेगा, फिर अगला बात करोगे अब ये कॉन्टेक्ट यहाँ बनेगा, जैसे जैसे घुमाओगे ऐसे करके कॉन्टेक्ट बनाता चलेगा आपका, ठीक है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट अब यहाँ बन गया, अब इसके बाद अब यहाँ घुमाओगे तो ये कॉन्टेक्ट यहाँ बनेगा, तो कुछ इस तरह से आप जो है कॉन्टेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग स्विच, ठीक है, वही चीज आपका। मूवमेंट ऑफ द हैंडल इज कंट्रोल बाय स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग इसके इंटरनली में अंदर में स्प्रिंग लगा होता है जो कि कंट्रोल करता है उसके मूवमेंट को। दिस स्विच इज यूज टू कंट्रोल डिफरेंट लैंप्स, अलग अलग बल्ब को जहाँ डिम रखना है, थोड़ा बहुत प्रकाशित करना है, इन सब तरीकों से आप कर सकते हो। फॉर रिवर्सल ऑफ अ स्मॉल मोटर्स स्पीड कंट्रोल ETC, आपको अगर मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कराना है तो आप वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं स्पीड कंट्रोल अगर करना होगा तो आप स्पीड कंट्रोल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका स्पीड कंट्रोल भैया, मोटर का, पंखा में भी मोटर लगा होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, तो मोटर के स्पीड को भी कंट्रोल अगर करना हो तो आप रेगुलेटर के मदद से कर सकते हो, और रेगुलेटर जो है हमारा क्या है, रोटरी स्विच है, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए अगला आता है पुश बटन। देखो पुश बटन वगैरह तो देखा होगा यार, ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा, जिसके घर में मोटर लगा हुआ वो तो पक्का देखा होगा, दो कलर का होता है, एक इधर लाल होता है एक इधर हरा होता है, हरा दबाया तो ऑन हो जाता, प्रेस करना होता है पुश बटन, पुश मतलब दबाना, है ना, पुश बटन, ठीक। इसके अंदर भी कैम और फ्लावर रहता है जिसके मदद से वो कांटेक्ट बनाता है, इस तरह से ऑपरेट होता है। ये सब जहां पे आपको मोटर वगैरह ऑपरेट करना होगा उन सब जगहों पे आप इसका यूज कर सकते हैं। जनरली जिनके घर में भी मोटर लगा होगा, जिनके घर में भी लगा होगा वो आप इस सब चीजों को देख सकते हैं, है ना, वो इन सब चीजों को आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा सा बोर्ड बना होगा, उसमें दो पुश बटन लगा होगा, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का, ग्रीन वाले को प्रेस कीजिएगा मोटर ऑन हो जाता है, और फिर रेड वाले को प्रेस कीजिएगा मोटर ऑफ हो जाता है, समझे बात को। या एक से भी आप कर सकते हैं, एक को ही प्रेस करो तो ऑन भी होगा, फिर से प्रेस करोगे तो वो ऑफ हो जाता है, कुछ इस तरह से। लाइक आप यहाँ पे देखिए ये वाला है, ठीक है, कुछ ऐसा आपका ये बना हुआ है आपका, ये भी हमारा पुश बटन है, इसको प्रेस करोगे, ठीक है, इसको प्रेस करोगे ये वाला को, तो ये हमारा क्या होगा, ऑन हो जाएगा, और फिर जब प्रेस करोगे या छोड़ोगे तो फिर ऑफ भी हो सकता है, कुछ इस तरह से भी इसको बनाया जाता है, ये डिपेंड करता है आपके डिजाइन पे। देख लीजिए पुश बटन में, स्विच में, इट ऑपरेट्स बाय प्रेसिंग द बटन, ये जो ऑपरेट किया जाता है प्रेस करने के बाद होता है, ठीक है, प्रेस करने से ये स्विच ऑपरेट करता है। इट्स मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय अ कैम एंड अ स्प्रिंग व्हिच गिव्स क्विक मोशन व्हाइल ऑपरेटिंग और क्लोजिंग द कॉन्टेक्ट। ये जो होता है इसके अंदर में कैम लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है, उसका काम होता है कि जैसे ही आप प्रेस करो ये क्या करेगा, कॉन्टेक्ट को कनेक्ट कर देगा, सर्किट को क्लोज कर देगा, ठीक है। These are used in starting of motors. ये जो होता है मोटर को स्टार्ट करने में भी होता है, आपको मैंने ये बोला था। ऑपरेटिंग लाइट्स, लाइट्स को ऑपरेट करना भी आप अगर चाहते हैं इसके मदद से तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, प्रेस करना है, वहां लिखा रहता है कि होल्ड 4-5 seconds, 6 seconds, ऐसा करके लिखा रहता है, प्रेस कीजिए 4-5 seconds यू नीड टू प्रेस, लीव कर दीजिए जल जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे, प्रेस करके फिर ऑफ हो जाएगा, ऐसा ही रहता है। इन रेफ्रिजरेटर ETC, है ना, रेफ्रिजरेटर में भी रहता है, इत्यादि और भी जगह पे चाहे तो यूज करते हैं। व्हेन पुश बटन इज प्रेस्ड, जब पुश बटन को प्रेस किया जाता है, सर्किट इज कंप्लीटेड, सर्किट कंप्लीट होता है, देखो ये सब चीज बताया है आपको मैंने, ठीक है, एंड इक्विपमेंट इज ऑन,
और इक्विपमेंट क्या होता है, ऑन हो जाता है, समझे। जब पुश बटन को प्रेस किया जाता है सर्किट कंप्लीट होता है, इक्विपमेंट ऑन हो जाता है आपका। वाइल एज मोटर इज ऑफ, इक्विपमेंट की जगह पे हमने मोटर लिख दिया, आपको अगर मन करे तो इस इक्विपमेंट की जगह पे आप मोटर लिख दो, कोई गलत नहीं है क्योंकि मोटर को भी आप ऑपरेट कर सकते हो इसके बाद। जब मोटर इज ऑफ एज पुश बटन इज रिलीज, जैसे ही पुश बटन को आप प्रेस करके फिर छोड़ोगे मोटर आपका क्या होगा, ऑफ हो सकता है आपका, ठीक है। ये दूसरे स्विच के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये हमारा क्या था, पुश बटन स्विच, क्लियर है। चल अगला स्विच में हम देखते हैं, ये देखो बहुत बढ़िया स्विच है, एक है नाइफ स्विच। ये नाइफ स्विच जो होता है ना मेन स्विच के जैसा यूज किया जाता है, नाइफ स्विच जो होता है मेन स्विच के जैसा यूज कर सकते हो इसको, जहां पे कि आपका घर का स्विच लगा होगा मेन, है ना। हाँ, घर के स्टार्टिंग में जो मेन बोर्ड होता है ना वहां पे चाहोगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कैसा होता है, ये हमारा नाइफ स्विच है, ये वाला एक ब्लेड बना होता है, ठीक है। ये हैंडल है, ठीक है, ये ब्लेड है और ये क्या है, हैंडल है। और यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे आपको ग्रूविंग किया रहता है विशेप में आपका, जिसको जॉ बोलते हैं हम, ठीक है। फिर हम बात कर दिए जॉ, जबड़ा जिसको बोलते हो ना, ये जॉ होता है, ठीक है। इसके अंदर भी मेटालिक कॉन्टेक्ट होता है, जब इसको आप पकड़ के, अब यहाँ पे देखोगे स्प्रिंग वगैरह कनेक्ट किया होता है, और मैं बताता हूँ आपको, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। स्प्रिंग लगा हुआ होता है, जब आप इसको ओपन करेंगे, पकड़ के उठाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ऊपर की ओर उठाने पे ये ओपन हो जाता है। जब इसको पकड़ के आप रखेंगे, है ना, पूरा कनेक्ट कर देंगे प्रॉपरली, तो ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। इस तरह से इसको भी आप ऑपरेट कर सकते हो। लाइक आप देखो ये स्विच हमारा क्या है आपका नाइफ स्विच है। अब ये आपका सिंगल थ्रू और डबल थ्रू होता है। सिंगल थ्रू डबल थ्रू से क्या मतलब समझते हो, यहाँ पे देखो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ सिंगल थ्रू डबल थ्रू का मतलब होता है, आप देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये हमारा वन वे सिंगल थ्रू है, एक बार आप इधर कर सकते हो, एक ही सर्किट में आप एक बार ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहां से देखेंगे ना डबल थ्रू में, दोनों साइड से आप इसको ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक से अगर देख रहे हैं तो। देखिए आपने इधर कनेक्ट करा, ठीक है, अगर मान लो इसको प्रेस किया इस साइड में तो इधर वाला कनेक्ट होगा, बस उस टाइम में इधर वाला क्या होगा, ओपन होगा। लेकिन इसको उलट के अगर आपने इधर क्लोज कर दिया तो इधर वाला ऑफ हो जाएगा, इधर वाला क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो डबल थ्रो इसको बोल रहे हैं, दोनों साइड से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें डबल, जब डबल किए हो तो डबल आपका यूज किया हुआ आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थ्री फेज के लिए आप चाहो तो ऐसा यूज कर सकते हो, ये भी आपका डबल थ्रो है, ये भी आपका डबल थ्रो है, ये आपका है आपका डबल पोल कह सकते हो, डबल पोल है ये हमारा, और सिंगल थ्रो है, एक बार आपको इधर से खाली ऑन ऑफ होगा, ठीक है ना। चलो क्लियर है यहाँ पे आपका नाइफ स्विच में पता चला। अब देखो इसके बारे में लिख लो थोड़ा बहुत, तो बहुत अच्छी बात होगी। नाइफ स्विच में क्या है, द नाइफ स्विच कंसिस्ट ऑफ अ ब्लेड्स, ब्लेड बोलते हैं इसको, हिंग्ड एट वन एंड एंड आर अरेंज्ड टू गो इनटू फॉर्क्ड टर्मिनल और जॉज एट द अदर। इसको हिंग्ड किया जाता है, यहां पर से ब्लेड की मदद से क्या, स्क्रू की मदद से टाइट कर दिया जाता है आपको, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं हम हिंग्ड किया हुआ। जैसे हिंग्ड करने का मतलब आप किवार में देखते हैं, स्क्रू की मदद से आप क्या करते हैं उसको लटका देते हैं ना जी, फिर वो आगे पीछे की ओर मूव करता है ना, वो हिंग्ड कहलाता है। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, ये ऊपर नीचे होगा, तो ये हिंग्ड कहला रहा है। तो एक एंड पे हमने क्या किया, हिंग्ड कर दिया, मतलब हिंग्ड किया हुआ है आपका, और दूसरा में अरेंज किया हुआ रहता है क्या, फॉरवर्ड टर्मिनल। फॉरवर्ड टर्मिनल ऐसा होता है कुछ, ठीक है, इसमें प्रेस करोगे आप इन होगा, और जॉस बोले थे ना इसको, हम बोलते हैं जॉ, ठीक है, जबरा जिगरा बोलता है ना, तो इकरा अंदर चला जाता है एट द अदर टर्मिनल या अदर एंड, ठीक। These are available as single through switches or double through switches. ठीक है, ये जो होता है, these are available as single through switches or double through switch. ये जो होता है सिंगल थ्रो स्विच भी हो सकता है और डबल थ्रो स्विच भी हो सकता है। सिंगल थ्रो स्विच कैन ऑन ऑफ ए सिंगल लाइन। अब इसमें आपको क्या कर सकते हो भाई, देखो ये सिंगल थ्रो स्विच है, इसमें कोई एक ही सर्किट को ऑन भी कर सकते हो या ऑफ भी कर सकते हो, एक ही सर्किट को आप इसमें ऑन भी करोगे ऑफ भी करोगे, ठीक है। तो सिंगल थ्रो स्विच जो होता है एक सर्किट को ऑन ऑफ कर सकता है, ये भी सिंगल थ्रो, ये भी सिंगल थ्रो, एक ही सर्किट को ऑन भी करेगा और एक ही सर्किट को ऑफ करेगा। वेयर एज ए डबल थ्रो स्विच कैन क्लोज वन लाइन इन वन डायरेक्शन। डबल लाइन जो होता है ए दो लाइन को कंट्रोल करेगा, डबल थ्रो जो है दो लाइन को कंट्रोल करेगा लेकिन एक डायरेक्शन में एक ही को कंट्रोल करेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी यहां तुरंत बताया है इस चीज में, आप अगर ढंग से समझ पा रहे हैं इस चीज को तो देखें,
देखिए यहां पे मैंने आपको क्या बताया, इस साइड में कीजिएगा तो एक लाइन कंट्रोल होगा, तो इधर वाला आपका ऑफ रहेगा, इधर वाला क्लोज रहेगा, फिर इस साइड कीजिएगा तो एट ए टाइम किसी एक ही साइड में आप कंट्रोल कर रहे हो, है ना, इधर आपका कंट्रोल रहेगा तो इधर आपका क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ये हमारा डबल थ्रो में होता है, और सिंगल थ्रो में एक ही साइड होता है। एंड इट कैन ओपन द फर्स्ट लाइन एंड क्लोज द सेकेंड लाइन इन द अदर डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। समझ में आया, साथ साथ में एक डायरेक्शन में आप क्लोज कर सकते हो और दूसरे डायरेक्शन में आप उसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो एट अ टाइम, एक ही लाइन आपका क्लोज रहेगा। व्हेन द सर्किट इज टू बी ब्रोकन, सर्किट ब्रोकन का मतलब ओपन, सर्किट को जब आप ओपन करते हैं, द हैंडल इज मूव्ड आउट। हमने क्या बोला था, ये जो हैंडल है इसको आपको बाहर करना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि सर्किट आपका क्या हुआ, ब्रोकन हुआ या सर्किट आपका ऑफ हुआ। द मेन ब्लेड कम्स आउट व्हाइल द ऑक्सिलरी ब्लेड रिमेन्स इन अ जॉस। ऑक्सिलरी ब्लेड देखो क्या होता है, समझना, ये जो जॉ बना होता है ना, इसमें भी एक ब्लेड लगा होता है, कॉन्टेक्ट टाइप से बना होता है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, आपको समझिएगा, आप कभी सॉकेट देखिएगा, ठीक है, सॉकेट में जो होल बना होता है ना, उसके अंदर आप देखिएगा ना, तो एक मेटल का बना हुआ आपका रहता है मेटल, जिसमें कि कांटेक्ट होगा तभी आपका क्लोज होगा सर्किट, कांटेक्ट अगर नहीं बना पाएगा तो क्लोज नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके अंदर भी एक होता है क्या चीज, मेटल होता है, जो कि सर्किट को क्लोज और मतलब ओपन कह लो, क्लोज करने में या फिर ओपन करने में हेल्प करता है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड मेंटेन्स कनेक्शन, और कनेक्शन को मेंटेन करता हुआ, बट एज द हैंडल इज अ मूव्ड, जैसा कि हैंडल को मूव करते हो आप, बट इट पुट्स ए टेंशन इन द स्प्रिंग। अब जब आप मूव करोगे, इट मीन्स कि या तो आप आउट कर रहे हो या फिर क्लोज कर रहे हो, तो यहां पे देखना ध्यान से, आपका ये देखो स्प्रिंग लगा हुआ है, इस पे भी तो टेंशन क्रिएट होगा, इस पे भी तो एक फोर्स आप कह सकते हो कि लगेगा, है ना। द स्प्रिंग विच ब्रिंग्स आउट द ऑक्सिलरी ब्लेड, जो कि ऑक्सिलरी ब्लेड को क्या करता है, आउट कर देता है, बाहर कर देता है ऑफ द जॉस, हेंस ब्रेक सर्किट या ब्रेक एक्शन अकर्स। फिर क्या करता है, ऑक्सिलरी बाहर हो जाता है और वह सर्किट हमारा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है या सर्किट डिस्कनेक्ट होता है। सिंपल वे में आपको इतना समझना है, डिजाइन इसका इस तरह से बना हुआ है, हैंडल लगा हुआ है, पकड़िए, आपको जिधर क्लोज करना है, इधर क्लोज करना है, क्लोज कर दीजिए, इधर वाला सर्किट ऑफ, आउट करिए, इसको उठाइए, इधर वाला भी ऑफ, इधर वाला भी ऑफ, इधर क्लोज कर दीजिए, इधर वाला आपका ऑन हो जाएगा, इधर वाला आपका क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारा चीज जो होता है नाइफ स्विच के अंतर्गत आता है, इसको आप एज ए मेन स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि मेन स्विच अलग भी होता है, मैं आपको बताता हूँ, इसी में हमारा सिंगल सर्किट और डबल सर्किट होता है, जिसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं पहले इंटरमीडिएट स्विच के बारे में। इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला जो होता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच है, ठीक है। अब देखो ये स्विच और ये स्विच दोनों इंटरमीडिएट स्विच है, अब एक ही जगह से अलग अलग कंट्रोल करना होगा ना, तब हम इंटरमीडिएट स्विच का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखो इसका कनेक्शन है, अब यहां पे सिर्फ हमने कनेक्शन इस प्रकार से बना के रखा है, ठीक है ना। अब जैसे ही जिसको आप क्लोज करोगे, ओपन करोगे, ऑफ करोगे, ऑन करोगे, उस हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन बनेगा, और जिधर कनेक्शन बनेगा उधर वाला आपका सर्किट क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, इंटरमीडिएट स्विच के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये वाला देख लो, ए स्विच विथ ऑल फोर इंडिपेंडेंट टर्मिनल, देख लेना आप आराम से, अगर देख पाओगे इसमें क्या होता है, चार इंडिपेंडेंट टर्मिनल होता है, एक दो तीन और चार, और चारों आपस में क्रॉस कनेक्शन हो सकता है, ये इधर ऐसा करके क्रॉस कनेक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जैसा आपका इच्छा होगा, जैसा आप चाहेंगे उसको कंट्रोल करना, वैसे जगह पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फोर कनेक्शन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है, टर्मिनल फोर कनेक्शन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्विच। ये चार टर्मिनल इंडिपेंडेंट टर्मिनल रखता है, इसी को जो कि कनेक्शन के लिए यूज होता है, ऐसा समझ लीजिए, इसी को कलेक्टिवली आप क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्विच कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फोर वे स्विच, जैसा कि आपने पढ़ा टू वे स्विच, वन वे स्विच, टू वे स्विच, और एक और आगे आपका फोर वे स्विच, है ना। इसका कनेक्शन वगैरह, यूज वगैरह मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम लोग कनेक्शन पढ़ेंगे, वायरिंग पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। चलिए
Function of this switch is to change the path of a current from one wire to other when wire leaves the switch. देखो आराम से आप समझ सकते हो, अगर मान लो यहां से सप्लाई जा रहा है और हमको करंट का डायरेक्शन इसमें कर देना है, तो आराम से इधर वाला कनेक्ट कर देंगे, इसमें चल जाएगा, इसमें कनेक्शन नहीं जाएगा। अगर मान लो सीधा सीधा कनेक्ट कर दें तो कनेक्शन हमारा इसमें जाएगा, मतलब सप्लाई हमारा क्या होगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो होता है करंट के डायरेक्शन का पाथ, करंट का डायरेक्शन भी इसके मदद से आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन डिजायर। दिस इज यूज्ड व्हेन वन लैंप इज टू बी कंट्रोल्ड फ्रॉम मोर देन टू और मोर लोकेशन लाइक कॉरिडोर वायरिंग। ठीक है, जैसे कि आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक ही जगह से आपको चार पांच गो लाइट कंट्रोल करना होगा, दो से अधिक लाइट, तीन या चार लाइट अगर आपको कंट्रोल करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आई बात? जैसे टू वे स्विच का इस्तेमाल कर रहे थे, एक ही जगह से आपको अगर दो बल्ब को कंट्रोल करना था तो टू वे स्विच का इस्तेमाल आपने किया था। अगर मान लीजिए अब दो से ज्यादा अगर बल्ब का कंट्रोल चाहिए आपको, एक ही प्लेस से दो से ज्यादा बल्ब कंट्रोल करना है, लाइक तीन बल्ब हो सकता है, चार बल्ब हो सकता है, या चार से ज्यादा भी कहिए, तो देन एट दैट टाइम आप इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके मदद से आप डिफरेंट डिफरेंट लोड्स को, डिफरेंट डिफरेंट बल्ब्स को, है ना, आप कंट्रोल कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट स्विच फ्रॉम वन प्लेस, एक ही जगह से। समझ में आया बात? चल क्लियर है यहां पे? चलो अगला हम देखते हैं। अब आता है मेन स्विच। भैया मेन मतलब क्या होता है, पहले तो यही समझ लो, मेन मतलब होता है मुख्य। जैसे आप मान लीजिए अपार्टमेंट बनाते हैं, बनाइएगा इन फ्यूचर, आप अपना अपार्टमेंट होगा, आपका अपना महिष्मति होगा, आपका अपना घर होगा, तो उस घर में आप देखिएगा कि जब वायरिंग किया जाएगा ना, तो वहां पर आप देखिएगा कि सबसे स्टार्टिंग में आप एक स्विच इस्तेमाल करेंगे जहां से कि पूरा बिल्डिंग कंट्रोल होगा पूरा। अगर मान लीजिए चार फ्लोर का आपका घर है तो वहां पे आप अगर एक स्विच का इस्तेमाल किए हैं स्टार्टिंग में, जहां पे एनर्जी मीटर के बाद कनेक्ट किया हुआ रहेगा, आपको एनर्जी मीटर के बाद रहेगा, वो हमारा मेन स्विच होता है। उस स्विच से पूरा का पूरा घर का कंट्रोल होगा, वहां आप ऑन ऑफ कीजिएगा, पूरा घर का बिजली जो होगा आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब अगर ऑन करते हैं तो ऑन होगा, ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाएगा, वो स्विच हमारा मेन स्विच कहलाता है। ठीक है ना, जहां से कि पूरे घर को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि हर एक घर में कोई एक मुख्य परिवार, मतलब बड़े परिवार की बात कर रहा हूं, या छोटे परिवार में भी कोई ना कोई एक मालिक होता है, मेन होता है ना, जिसको कि मेट कहा जाता है, मेन होता है ना, कि वो हर चीज को कंट्रोल करता है, क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग आप कह सकते हैं, हर एक चीज का कंट्रोल उनके हाथ में होता है। जैसे कि आप नॉर्मल फैमिली है तो कि घर में पापा या दादा, ये सब मुख्य लोग होते हैं, मेन आदमी जिसको बोलते हैं ना, तो वो चीज यहाँ पे है। यहाँ पे भी जो स्विच है हमारा मेन स्विच, जो कि पूरे घर को कंट्रोल करा जाएगा जिसके मदद से, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, मेन स्विच कहलाता है। ठीक, अब इसमें मेन स्विच में आपका देखिए अलग अलग प्रकार का होता है, ये टू पोल होता है, थ्री पोल होता है, डिपेंड करता है कहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मेन स्विच इज ए कंट्रोल इक्विपमेंट विच कनेक्ट्स और डिसकनेक्ट्स द मेन सप्लाई, है ना। जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, समझिएगा इस चीज को, अगर कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्विच है आपका लगा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से ऐसे नॉर्मली मैं बना रहा हूँ, ठीक है, स्विच मत समझना। अब यहाँ से हमको कुछ लगाना है, अब यहाँ पे हम लाए, अब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्विच यूज किए, अलग अलग हम स्विच यूज कर लिए, ठीक है, अलग अलग किए, इसमें कनेक्शन ला करके हमने दे दिया, यहाँ से अलग अलग लोड में हमने लगा दिया, एक यहाँ पे आप बल्ब लगा दो, यहाँ पे कोई दूसरा बल्ब लगाओ, यहाँ फैन लगा दो ऐसे। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर मैं क्लोज करूंगा तो इधर बिजली आएगी, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो इधर बिजली चली जाएगी, तो क्या हुआ, ये हमारा मेन हो गया। इसी के मदद से आप इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, तो वैसे ही ये चीज हमारा क्या होता है, ये हमारा वैसे में ये कहलाता है मेन स्विच। ठीक है, जहां से कि आप पूरे जगहों को पूरे कंट्रोल कर सकते हैं, सप्लाई जो भी हमारा होगा पूरे एक जगह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट इज द मेन सप्लाई, राइट, या मेन भी आप स्विच भी कर सकते हो। ठीक, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रुको समझ में आएगा, शायद आप देखे होगे तो। देखो ऐसा घर वालों देखा है कहीं जी, ऐसा देखा होगा ना, यही हमारा मेन स्विच है।
अब देखो यहाँ पे ये चूंकि थ्री फेज के लिए है, ठीक है, यहाँ पे हम थ्री फेज के लिए हम लगाए हुए हैं, तो एक दो और तीन लगाए हैं, ठीक है, इस तरह से हमारा कनेक्शन है। एक साइड आपका इनकमिंग होगा, इधर से आप लेके आए, और इधर से आपका आउट गोइंग होगा। ये वाला हमारा किटकैट फ्यूज है। क्या है? किटकैट फ्यूज। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब दूसरा यूनिट में पढ़ना है आपको सेफ्टी डिवाइस, नहीं दूसरा में नहीं तीसरा में पढ़ना है, सेफ्टी डिवाइस के बारे में बताएंगे, फ्यूज के बारे में, ठीक है। ये हमारा किटकैट फ्यूज हो गया, और ये हमारा हो गया क्लोज करने के लिए या ऑफ करने के लिए। ऐसे करोगे क्लोज होगा, ऐसे करोगे ऑफ होगा, कुछ इस तरह से आप जो है नीचे करोगे क्लोज होगा, ऊपर करोगे ऑफ होगा, ऐसा करके आप इसको कर सकते हो ऑपरेट। ये हमारा मेन स्विच होता है, और भी होगा, रुको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ऐसा होता है आपका स्विच, मेन स्विच आपका, ठीक है ना, ऐसा कुछ मेन स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए, है ना। ये हमारा होता है कुछ इस तरह से भी आपका डीपीआईसी मेन स्विच होता है, तो आपको मैं बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस स्विच। हो गया, ये स्विच जो होता है क्या करता है, मेन को कंट्रोल करता है। एंड आईसी मेन स्विच, आईसी मतलब होता है आयरन क्लैड, आयरन क्लैड, ठीक है। आईसी क्या होता है, आयरन क्लैड, इसलिए बोला जाता है क्योंकि आयरन का ही बना हुआ होता है, ये लोहे का बना होता है, इस कारण से इसको हम बोल रहे हैं क्या, आयरन क्लैड बोल रहे हैं, ठीक। चल, आयरन क्लैड स्विच हैज ए केस ऑफ अ कास्ट आयरन। केस मतलब होता है उसका जो बनावट है, उनका जो बॉक्स टाइप से बना होता है, वो कास्ट आयरन का बना होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आयरन क्लैड मेन स्विच। चूंकि आयरन का बना होता है, इसका केस जो बर्तन होता है, ढक्कन होता है, वो सब आयरन का ही बना होता है, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन क्लैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन क्लैड। आगे बताता हूँ आपको फिर से। पोर्सिलेन फ्यूज कटआउट्स आर फिटेड इनसाइड द स्विच एंड हैंडल इज फिटेड आउटसाइड द स्विच। क्या बोले, पोर्सिलेन का किटकैट फ्यूज रहता है ना, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी, यहाँ पे ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो देखो, ये वाला जो है हमारा, ये क्या है, फ्यूज लगा हुआ है ना, ये वाला हमारा फ्यूज है। ये बाहर सब आप इसको रिमूव कर सकते हो, ये वाला, ये तीनों है ना, इसको पकड़ के से रिमूव किया जाता है आपका। ये फ्यूज आपका हर एक जगह लगा होता है, उसके बाद एक हैंडल भी आपका यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है। चलो, वही चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। पोर्सिलेन फ्यूज कटआउट्स आर फिटेड इनसाइड द स्विच एंड ए हैंडल इज फिटेड आउटसाइड द स्विच। पोर्सिलेन किट जो होता है वो सब तो अंदर है, ढक्कन से उसको बंद रहेगा, लेकिन हैंडल क्या रहेगा, बाहर में फिट किया हुआ। ए स्क्वायर शेप बेकेलाइट रॉड इज अटैच्ड टू द हैंडल, यू शेप क्लिप आर फिटेड ऑन द स्क्वायर शेप बेकेलाइट रॉड। देखिये यहां पे क्या हो रहा है, समझिएगा। यहां पे देखिए, सबका शेप आपको नजर आ रहा होगा, यू शेप का बना होता है, और ये सब आपको कनेक्ट किया हुआ है इसी में आपका, ठीक है, इसी यू शेप में आपका कनेक्ट किया हुआ हैंडल के साथ में क्या रहता है, कनेक्ट किया हुआ रहता है आपका, ठीक है। अब देखो, व्हेन द हैंडल इज मूव्ड, ध्यान दीजिएगा, व्हेन द हैंडल इज मूव्ड अपवर्ड, जब हैंडल को आप ऊपर की ओर मूव करते हैं, इस हैंडल को ऐसे पकड़ के ऊपर, ये वाला देखो ढक्कन है भैया, इसको ऐसे करके बंद कर दिया जाता है ना, ये वाला बंद होता है, ओपन है, सब इसके अंदर रहेगा, ये वाला पूरा सब जो है पैक रहेगा, खाली ये हैंडल क्या होगा, बाहर रहेगा आपका, ठीक है। वही बोला रहा है कि जब हैंडल जो है आपका मूव किया जाता है अपवर्ड की ओर, जब हैंडल अपवर्ड की ओर मूव किया जाता है, देन द यू शेप्ड क्लिप्स मेक द सर्किट ऑन। ये सब जो होगा आपका, ये जो सर्किट यहाँ पे आपका देखो कॉन्टेक्ट बना हुआ है, ये सब सर्किट को क्या करेगा, ऑन कर देगा। मतलब जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा, ये सर्किट हमारा क्या होगा, ऑन होगा, नीचे की ओर आएगा, सर्किट हमारा ऑफ होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, ऑन बाय ज्वाइनिंग द कॉन्टेक्ट पॉइंट, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट बना रहता है, ये सब ज्वाइन कर जाता है, सर्किट ऑन हो जाता है। व्हेन द हैंडल इज मूव्ड डाउनवर्ड्स देन द स्विच मेक्स द सर्किट ऑफ। जैसे ही इस हैंडल को आप नीचे करोगे, सर्किट हमारा क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इस हैंडल को नीचे करोगे, ये सर्किट हमारा क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। लाइन वायर्स आर यूजुअली फिटेड टू द बॉटम साइड। लाइन वायर कहने का मतलब, जो आप पोल पर से खींच के लाते हो ना, टैपिंग करके लाते हो ना, वो हमेशा यहां से देखो होल बना हुआ है, इसमें इंसर्ट करो और यहाँ पे आपको कनेक्शन दे देना है, ठीक। लाइन वायर्स हमेशा बॉटम साइड में ही कनेक्ट किया हुआ रहता है, ठीक है। और लोड वायर्स जो रहेगा हमेशा टॉप साइड में, यहाँ भी देखो होल बना हुआ है, यहां से आपको कनेक्शन लेके निकालना है, ऐसे करके यहां से कनेक्शन लेके बाहर निकाल दो।
ठीक है, यहां से आप कनेक्शन लेके बाहर निकाल दो तो लोड वायर इधर होता है, मतलब जो घर के साइड आप भेजोगे ना, घर के साइड में आप जो वायर को फैलाओगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो सब इस साइड से होगा, और जो लाइन वायर होगा जो पोल पर से वायर आएगा वो सब कहां पे होगा, तो आपका बॉटम साइड से होगा, मतलब नीचे से होगा, समझे। वही चीज यहाँ पे आपको लिखा हुआ, यूजुअली फिटेड टू द बॉटम साइड एंड द लोड वायर टू द टॉप साइड ऑफ द स्विच, और लोड वायर किधर होगा, टॉप साइड में आपका फिट किया हुआ रहेगा। क्लियर है यहां तक, समझ गए बात को। अब देखो इसी में हम लोग बांट दिए हैं, ठीक है ना, मेन स्विच में ही हमारा होता है क्या, अलग अलग प्रकार का, कहने का मतलब बोले तो एक होता है डबल पोल और एक होता है ट्रिपल पोल। अब आयरन क्लैड ही होगा, आई सी आयरन क्लैड। अब अगर आपको डीपी मिलेगा लगा हुआ तो वो होगा डबल पोल, अगर टीपी मिलेगा तो वो होगा ट्रिपल पोल, समझे। आयरन क्लैड डबल पोल डीपी, ट्रिपल पोल टीपी, ठीक। तो आईसी डीपी एक स्विच होता है, आईसी टीपी एक स्विच होता है, यूज कहां होगा मैं आपको बताता हूं। पहले आप देख लीजिए आईसी डीपी स्विच, ठीक है, आईसी डीपी बोले तो आयरन क्लैड डबल पोल स्विच। डबल पोल मतलब होगा दो वायर आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देखिए डबल पोल है आपका, देखिए यहां पर हम दो ही यूज किए हैं, है ना, एक इधर दो। अब इधर देखो, यहां पे भी देखो दो यूज किया हुआ, तो ये हमारा डबल पोल होगा। यहां पे अगर तीन यूज करेंगे तो ट्रिपल पोल हो जाएगा, चार लगा दिया ट्रिपल पोल न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही हमारा पोल, अलग अलग पोल कनेक्ट करने के लिए, जैसे देखो घर से, घर में जब आपको कनेक्शन करना होता है, घर में जब आप कनेक्शन करते हो तो आप गौर कीजिएगा, जो पोल होता है वहां से आप दो वायर टैप करके लाते हो, एक फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। हालांकि जनरली कोई कोई एक वायर भी लाता है तो वो घर में अर्थिंग से अपना न्यूट्रल कंप्लीट कराता है, लेकिन हम जनरल पर्पस की बात करते हैं, जो कि काफी अच्छे तरीके से या फिर बाय रूल के हिसाब से जो हम लेते हैं, तो उसमें हम लोग एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर को टैप करके लाते हैं, ठीक है। तो अब एक फेज वायर है एक न्यूट्रल वायर है तो उसको आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, चलेगा, दोनों डबल पोल हो जाएगा आपका, ठीक है। वही चीज आपका यहाँ पे देखो, एक फेज वायर एक न्यूट्रल वायर, अभी ऐसा बक्सा क्या हो गया, बंद हो गया, ये वाला हो गया, आप नीचे करोगे ऑफ ऊपर करोगे ऑन, ऐसा चलेगा आपका, ठीक। तो वही आपका देख लो, दिस इज द मेनली यूज फॉर सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। ये जो होता है कहाँ पे यूज होता है, जहां पे आपको सिंगल फेज वायरिंग का यूज होगा, है ना, डोमेस्टिक, घर में जनरली आपको ये डबल पोल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि घर में ही आप जनरली सिंगल फेज यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा घर में ही यूज होता है आपका, ठीक है। टू कंट्रोल द मेन सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। चलो अगला देखते हैं, इट कंट्रोल्स फेज एंड न्यूट्रल ऑफ द सप्लाई साइमल्टेनियसली। ये जो होता है फेज और न्यूट्रल को एक साथ 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 में कंट्रोल करता है, ठीक है, फेज और न्यूट्रल को एक साथ ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। लाइक आप यहाँ पे देखो, आप क्या बोले थे, लाइव वायर कहीं से टैप करके लाए, ठीक है, टैप करके लाए इधर से, एक वायर इधर एक वायर इधर, ये फेज ये न्यूट्रल। अगर ऐसा है तो इधर से भी हमारा एक निकलेगा ये फेज और एक न्यूट्रल, बस समझे। अब ये हमारा किधर से आ रहा भैया, ये पोल पर से आ रहा है टैप करके लाए, और ये किधर जा रहा है, तो ये घर की ओर जा रहा है, जो डोमेस्टिक यूज होगा ना उधर की ओर जा रहा है आपका, ठीक है। चल, इट इज ए स्विच विथ टू पोल्स। ये स्विच होता है एक प्रकार का दो पोल जिसमें होता है, ये हमारा हैंडल हो गया क्लोज और ओपन करने के लिए। मैकेनिकली कपल्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ कपल्ड होता है, कपल्ड कहने से मतलब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों इससे कनेक्ट होगा और यह जो होगा इससे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इट इज ऑपरेटेड विथ ए नोब, नोब मतलब हैंडल। द करंट रेटिंग वेरीज फ्रॉम 16 एम्पियर टू 200 एम्पियर। देखो करंट रेटिंग जो होगा इसका 16 एम्पियर से लेकर के 200 एम्पियर तक वेरी कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। कितना से, 16 एम्पियर से 200 एम्पियर तक वेरी कर सकता है, ये हो गया आपका। तो ये आईसीडीपी हो गया। अब इसी में देखिए हम बात करते हैं आईसीटीपी का, अगर आईसीडीपी समझ गए तो आईसीटीपी में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, खाली दो की जगह तीन कर देना। लाइक आप यहां पे देखो, एक दो तीन लगा दिए, ठीक है, एक दो तीन। इस डबल पोल में क्या था, सिर्फ दो था, और ट्रिपल पोल में हम तीन लगा दिए, एक न्यूट्रल साथ में देखो यहां पे लगा दिए, जिसको कि हम न्यूट्रल लिंक बोलते हैं, इसके बारे में आगे बता देंगे आपको, ठीक है, आउटर एसेसरीज में वो आता है आपका, ठीक।
तो आईसीटीपी मेन स्विच क्या होता है, वो जनरली वहां पे आप यूज कर सकते हैं जहां पे कि आपको थ्री फेज का रिक्वायरमेंट होता है, जहां पे कि थ्री फेज का जरूरत है आपको, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो थ्री फेज बोले तो एक आर वाई और बी, इधर आपका लेके आओ, ये कहां से? पोल पर से। तीनों फेज टैप करके लाओ, तीनों फेज जो होगा टैप करके लाओ। ये तो समझ रहे होगा ना, फेज वगैरह तो पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, अभी ध्यान रखना। यूनिट टू में मैं बताऊंगा, टू या थ्री में है पढ़ना, जब कनेक्शन वगैरह बताएंगे सर्विस मींस तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहां से आप ले जा सकते हो, उसके बाद ये हमारा कनेक्शन है, इधर से आप ले जाओगे घर के लिए, ठीक है। जब घर में ले जाना होगा तो इधर से ले जाओ, या जैसे जहाँ पे जो आटा चक्की वगैरह चलाता है वो सब आप यहाँ पे यूज कर सकता है थ्री फेज का, तो वो आईसीटीपी ही जनरली यूज करता है। आप गौर से देखिएगा, जब कभी आप गेहूं पिसाने के लिए जाइएगा घर वगैरह में, जो खरीद के खाता है आटा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो पिसाता है वो देखना, अगर वहां पे स्विच बना रहेगा तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है वहां पे, तो वो थ्री फेज का ही कनेक्शन लिया रहता है, वहां स्विच भी हमारा आईसीटीपी लगा रहेगा आपका। ध्यान से देखिएगा अगर जाइएगा कभी तो, आप गौर कीजिएगा, हालांकि देखे होंगे, हो सकता है समझ में नहीं आया होगा या पता नहीं होगा, बट अब जब जाइएगा तो आप देखिएगा वहां पे, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए टीपीआईसी, टीपीआईसी भी बोल सकते हैं, उल्टा पुल्टा कर दिया गया और कुछ नहीं है, आईसीटीपी टीपीआईसी, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड, आईसीटीपी आयरन क्लैड ट्रिपल पोल, एक ही चीज है, सेम डीपीआईसी आईसीडीपी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड इज यूज्ड इन अ लार्ज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, जहां अधिक लोड की आवश्यकता होगी, जहां मतलब बड़ा लार्ज स्केल पे, जैसे अपार्टमेंट कहीं बनाना है या कोई घर बनाया है ना, तो वो बनाया होगा जिसमें 20 फ्लैट 25 फ्लैट होगा, तो वैसे जगह पे आप चाहें तो यहाँ पे थ्री फेज का यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इन थ्री फेज पावर सर्किट, जहां पे थ्री फेज का जरूरत पड़ेगा, ऑलवेज मैं बोल रहा हूँ इस बात को, जहां पे थ्री फेज का रिक्वायरमेंट होगा वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। द स्विच कंसिस्ट ऑफ अ थ्री फ्यूज, जैसे कि डबल पोल में डीपीआईसी में आप दो फ्यूज रख रहे थे, यहाँ पे भी आप तीन फ्यूज रख रहे हो, ठीक है, वन फॉर ईच फेज, हर एक फेज के लिए एक, ठीक है, हर एक फेज के लिए आप एक फ्यूज रख रहे हो। न्यूट्रल कनेक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल एज अ सेम स्विचेज आर प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रल लिंक इन साइड द कैजिन, यहाँ पे अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका न्यूट्रल लिंक भी लगा हुआ है, सो न्यूट्रल लिंक भी आपका बना हुआ है, आप उस न्यूट्रल लिंक मतलब न्यूट्रल को कनेक्ट करने के लिए, बताएंगे आगे न्यूट्रल लिंक के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, और वहां पे मैं आपको विशेष करके बताऊंगा इसके बारे में। तो न्यूट्रल लिंक भी क्या होता है, इसमें आप बना सकते हो, सिर्फ बना करके उसी केजिंग के अंदर रख के ढक्कन बंद कर देना है, यहां हो गया। दिस स्विचेस नीड टू बी अर्थड थ्रू एन अर्थ टर्मिनल और स्क्रू प्रोवाइडेड इन द आउटर केजिंग, करंट रेटिंग वेरीज फ्रॉम 16 to 400 एम्पीयर, ध्यान दीजिएगा। ये जो केजिंग कैपिंग होता है, जब मैं आपको अर्थिंग बताऊंगा ना कि अर्थिंग कैसे करते हैं, तो कहां से करते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। तो अर्थिंग जो होता है ना, वह टर्मिनल मस्ट बी कनेक्टेड, अर्थिंग टर्मिनल डेफिनेटली आपको कनेक्ट होना चाहिए इसके बॉडी से, या तो इसमें जो स्क्रू रहता है, जैसे इसको आप कवर करोगे तो कहीं ना कहीं स्क्रू लगा हुआ, जैसे ये देखो स्क्रू के लिए आपको जगह दिया हुआ, टाइट करोगे स्क्रू की मदद से, उस स्क्रू में आपको अर्थिंग टर्मिनल कनेक्ट कर देना, ताकि किसी भी प्रकार का कोई लीकेज करंट हो या फॉल्टी करंट हो, वो क्या हो, अर्थ में बरीड हो जाए और आप सुरक्षित रहें, नहीं तो फिर स्विच के साथ में, बोर्ड के साथ में आप भी जल जाएंगे। लाइक यहाँ पे आप देखिए, अलग अलग प्रकार का आपका स्विच मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है आपके हिसाब से, जैसे कि देखो यहाँ पे ये हमारा टीपीआईसी स्विच, ठीक है, ये टीपीआईसी है, एक तीन हो गया, अब ये वाला देखो किटकैट फ्यूज है, एक उठा के इसमें सिर्फ क्या करना है, प्लेस करना, आपने देखा भी होगा अब तो, है ना, इसको प्लेस करना है, ठीक है, इधर से इनकमिंग जाता है, स्प्रिंग वगैरह लगा हुआ, ये हैंडल है, यहाँ पे आपका बैकलाइट का कनेक्शन करने के लिए लाता है, ये कॉन्टेक्ट है, इधर से कनेक्ट रहेगा किधर से, पोल की ओर से, और इधर से आप निकाल दीजिए, ये चला जाएगा लोड साइड में, ठीक है, जैसे कि देखो ये फ्यूज ओपन है, फ्यूज को हमने यहाँ पे लगा दिया, मतलब अब ये क्लोज हो रखा है, ठीक है, तो ऐसा आप करके चल सकते हैं। ये आपका डीपीआईसी है, ये क्या है आपका डीपीआईसी है, ये टॉगल स्विच है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, ये टॉगल स्विच है, ये नाइफ स्विच है आपका, देख चुके हैं आप, ये भी नाइफ स्विच है, और कनेक्शन देखो कुछ ऐसा रहता है, ध्यान से देखो अगर दिख रहा है तो, रुको,
देखो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा ये सप्लाई है कुछ इस प्रकार से, ऐसा ही स्विच बना रहता है आपका, ठीक है। ये सब एक बार में क्लोज होगा, एक ही बार में क्लोज होगा आपका, ठीक है। ये आर, ये वाई और ये बी टर्मिनल, ठीक है। और एक न्यूट्रल लगा दिए हम, न्यूट्रल से यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक। और इधर जो होगा आर वाई बी, ये लोड साइड में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखो इसी का ये बना हुआ है, आर वाई बी रहेगा और ये न्यूट्रल होता है, कनेक्ट कर सकते हो। न्यूट्रल ला करके आप यूज कर सकते हो, और बाकी इस पे जो है आप फ्यूज वगैरह लगा के रखते हैं, फ्यूज वगैरह कर सकते हैं। और ये हमारा ऑपरेटिंग हैंडल हो गया। तो ऑपरेटिंग हैंडल बोले तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? तो होप सो आपको बहुत अधिक कह लीजिए जो स्विचेज हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, उसके बारे में तो एटलीस्ट जानकारी हो गई होगी, है ना। हो सकता है कुछ चीजें आपको अननोन लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप समझिएगा इस चीज को। और मैं ऐसा मतलब चाहूंगा कि आप इस सब चीजों को प्रैक्टिकली देखिएगा, आपके घर के आसपास में होगा, खरीद लिएगा नहीं भी खरीदिएगा ना तब भी होगा, आपके घर के आसपास में लगा हुआ होगा, उसको आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, तो डेफिनेटली आप चीजों को समझेंगे। हालांकि देखे भी होंगे लेकिन नहीं जानकारी रहने के कारण आप ऑब्जर्व नहीं किए होंगे, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि आप उस चीज को देखिएगा और देखने के बाद आप उस चीज को आप समझिएगा कि एक्चुअली में क्या है वो, तब ना आप घर का वायरिंग फिर कैसे करोगे, नहीं समझोगे तो फिर वायरिंग कैसे करोगे। अब यही चीज आपको टीपीआईसी डीपीआईसी नहीं पता चलेगा, स्विच ही नहीं पता चलेगा, कनेक्शन तो मैं आगे बताऊंगा, तो फिर कैसे मतलब समझने का प्रयास कैसे करोगे भैया, समझ रहे हो। तो जो भी आपके आसपास में आप स्विच वगैरह दिखता है, एटलीस्ट आप रिकॉग्नाइज कीजिए कौन सा स्विच है, पेंडेंट स्विच है, प्लस स्विच है, ट्यूबलर स्विच है, नाइफ स्विच है, डीपीआईसी है, टीपीआईसी है, कैसा स्विच है आपको, या फिर पुल स्विच है, पुश बटन है, क्या है, इन सब चीजों को आप एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करने का प्रयास कीजिए, तब आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। समझ गए बात को, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग इतना ही तक रखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।